नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि एसएससी नोटिफिकेशन अभी जारी करा है, आप सभी को पता है, इसके बाद थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि इन फ्यूचर आपके इतने भी एग्ज़ाम होने वाले हो, टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, तो उसके ये अच्छे गुड न्यूज़ हम सबके लिए कि सारे एग्ज़ाम आपके टाइम पे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन का सब कुछ कंप्लीट हो ही चुका है, खुल ही चुका है, एक तरीके से हर चीज़ हो रही है ना। कोई भी रक्षाबंधन में गया आपका, ठीक है, आज इंडिपेंडेंस डे है और उससे पहले ईद भी थी आपकी, ठीक है, तो कोई वो नहीं था कि लॉकडाउन होगा दोबारा नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, जहाँ भी आपकी पर स्टेट जो आपको खोल देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लाइक महाराष्ट्र, गुजरात है, यूपी, जो इन्होंने पर्टिकुलर सडनली लॉकडाउन लगा रखा है कुछ एरियो में, प्लस सैटरडे संडे का लॉकडाउन रहता है यूपी में आपका, तो जैसे खुलेगा तो आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं कि इसने नोटिस क्या दिया। देखिए, नोटिस पढ़ लेते हैं। इसमें नोटिस आपका ये कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस आया था आपका, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, कॉन्स्टेबल जी डी इन सी ए पी एफ एन आई एस एस एफ एंड राइफलमैन जी डी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018, ये कंडक्ट ऑडिटर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें क्या, अ कॉपी ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटिस रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल सी आर पी एफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अटैच हेयर विद इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट ऑफ अफोरसेड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये दिया गया था और इसकी डेट आप नीचे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कब की डेट है, आप देख लीजिएगा डेट को एक बार। देखिए, आपको डेट दिखाई दे रही है, डेट आज की 14 तारीख को इनको ये रिसीव हुआ है आपका। ठीक है, तो एज जो सी आर पी एफ ने नोटिस दिया है वो सभी एग्ज़ाम के लिए होगा, इतने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये चीज़ हमें चीज़ फॉलो जरूर करनी पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है आपका, इंपॉर्टेंट नोटिस दिया है, टू कंटिन्यूशन ऑफ सी आर पी एफ नोटिस डेट 17/7/2020 को दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने करा था डिटेन्ड मेडिकल एग्जाम ऑफ 1724 क्वालिफाइड कैंडिडेट इंक्लूडिंग पटिशनर ऑफ केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट ने पटिशन डाली थी अपनी इस स्केड्यूल फ्रॉम 24/8/2020 to 10/9/2020। मींस ये बच्चे काफ़ी कम बुलाएंगे एक हिसाब से, आप देख रहे हैं सिर्फ 1800 बच्चे के आसपास, 1724 के आसपास है। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपके सी पी ओ में भी इतने ही बच्चे के आसपास हैं, 2K+ आपके बच्चे के हैं, तो उनका भी ऐसे ही चलेगा। तो मेडिकल की डेट देख रहे हैं आप, 24 से लेके कितने दिन चलेगी, 10 और कम से कम भी 15-16 दिन मेडिकल चलने वाला है, तो इस हिसाब से बच्चे काफ़ी कम बुलाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन आपका चीज़ें टाइम पे होंगी। कैंडिडेट एडवाइस टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द लिंक अवेलेबल ऑन रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीएफ वेबसाइट से निकाल सकते हैं आपके। कह रहा है ऑल द कैंडिडेट डायरेक्टेड टू ब्रिंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड एट द टाइम ऑफ डीएमई ई एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड आपको। ठीक है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड फॉर डीएमई विदाउट एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड उनको परमिट नहीं किया जाएगा। दे शुड ऑल्सो ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर चेकिंग बाई द बोर्ड ऑफिसेज, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके, वो आपको लेके जानी होगी। द नेक्स्ट आपके स्लाइड में दिखा देता हूँ क्या बोला है इन्होंने। ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट आप देखिए, कह रहा है बिसाइड्स अबव कैंडिडेट विल आल्सो स्ट्रिक्टली अडेयर फॉलोइंग डायरेक्शन इन परव्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, इस महामारी के बीच में कुछ चीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, वो क्या है, पहला वेयरिंग अ फेस मास्क एट ऑल द टाइम्स विल बी कंपलसरी फॉर द कैंडिडेट रिक्रूटमेंट सेंटर, मतलब आपको मास्क पहनना जरूरी है और परमानेंटली पहनना पड़ेगा। ऑल द कैंडिडेट शुड डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप लेनी पड़ेगी, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, गूगल स्टोर से मिल जाएगी, एप्पल आई स्टोर पर मिल जाएगी, आईफोन स्टोर पर आपको जो यूज़ कर रहा है उसके भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है सी कैंडिडेट शुड ऑल्सो कैरी सैनिटाइजर विद देम, कुछ छोटी एक सैनिटाइजर सीसी ले लीजिएगा अपने आप में, आप उसको लेके जाइएगा। मेंटेनिंग अ मिनिमम डिस्टेंस 2 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिटवीन कैंडिडेट विल बी मैंडेटरी आपका। नेक्स्ट कह रहा है बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट विल बी चेक्ड एट द एंट्री गेट, मतलब एंट्री गेट से जब आप घुसेंगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। ओनली कैंडिडेट हैविंग नॉर्मल टेम्परेचर विल बी अलाउड, जिनका नॉर्मल टेम्परेचर होगा उनको ही अलाउ किया जाएगा अंदर। हैंस अगर इफ एनी कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम फीवर और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, या किसी स्टूडेंट को आपका जो फीवर हो या फिर उसमें कोई सिम्टम पाए जाते हैं कोविड-19 के, अंडर क्वारंटाइन पीरियड ऑफ कमिंग फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, या फिर क्वारंटाइन से आए फिर कंटेनमेंट जोन से आए, शुड कॉन्टैक्ट इमीडिएटली ऑन द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर बिफोर रिपोर्टिंग एट द रिक्रूटमेंट सेंटर, इस नंबर पर आप कॉल करके रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है बिसाइड एनी अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इशूड बाई द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी एज प्रिवेंटिव मेजर टू कर्ब स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक में ऑल्सो बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, वही चीज़ आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई है कि ये जो ना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आएगी, आपके जो एग्ज़ाम है ना सारे खारे उन्हीं के बिहाफ पे हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो पाने का है, क्योंकि सबका अलग अलग है हर स्टेट की, जब कई स्टेट में हमारे सीएम होते हैं, इंडिया के हमारे पीएम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो वो जो ऑर्डर देंगे फिर वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिए, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर अलग होंगे। ठीक है, तो लिंकअप के साथ चीज़ें चलनी होती हैं आपकी, तो यही चीज़ मेन है आपकी,
और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये जो आया था बीच में रूमर उड़े थे इसके कि उसके एडमिट कार्ड हो रहे हैं निकल गए हैं, लाइक इसके जीडी के सीआरपीएफ की वेबसाइट पर हो गया वायरल हुए थे इसके स्क्रीनशॉट। तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोल दी, जब भी कुछ ऐसा होगा तो एसएससी आपका कम से कम 10 दिन पहले आपका नोटिस डाल देगा। तो वही चीज़ हुई थी आपकी 13/8/2020 में आपको ये दिया है डीआईजी रूम सीआरपीएफ ने आपका, ठीक है, किसको, एसएससी को सौंपा है, क्लियर। देन एसएससी ने इस पर अमल किया आपका, क्लियर गाइस। तो ये चीज़ थी, आपने जो समझी है इसको आप दोबारा से भी वीडियो को दो तीन बार देख के आप चेक कर सकते हैं। उसमें एक स्लाइड ले लेता हूँ, आपको कुछ बताना है मुझे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों स्लाइड है आपकी, इसमें हम बात करेंगे लाइक आपका जो सीपीओ का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, यानी कि मेडिकल का, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, जितने भी आपकी कोई कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। मेरी वीडियो डली हुई है आपकी मेडिकल की प्लस फिज़िकल की वीडियो भी है आपकी, तो वो दोनों डली हुई है, आप दोनों को जाके विजिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। तो मैंने क्योर भी बताई हुई है आपकी, लाइक नौकनी की प्रॉब्लम आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, आई साइड आपकी अपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, ठीक है, फ्लैट फुट में भी क्या आप क्योर कर सकते हैं, बिना बीपी के क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ मैंने कवर की है आपकी, ठीक है, जिन जिन चीज़ में बच्चे आउट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो सब चीज़ कवर है उस वीडियो का, आप विजिट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कल 16 तारीख को 16 अगस्त को 12:10 पे यानी कि PM मैं लाइव आऊँगा, जिसमें आपकी मेनली MTS के लिए है, वो NR रीजन की जितनी भी आपकी एलोकेशन होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ कहाँ वर्किंग मिलता है आपको, ठीक है, प्रमोशन सिनेरियो क्या है आपका, कट ऑफ की अप्रोक्सीमेटली हम जज करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी जो मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है, और प्लस आपका सैलरी कितनी होती है, ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम देके प्रमोशन कैसे ले सकते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है आपका, और क्या क्या वर्क करना आपको पड़ता है, तो पूरा कंप्लीट समझाऊंगा आपको। तो उसके लिए आप कल मुझे लाइव मिलिएगा जितने भी बच्चे हो सकें, और वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी लाइक कर दीजिए इसको भी, और जो कल की लाइव स्केड्यूल डला हुआ है मेरा उसको भी आप लाइक जाके कर सकते हैं, ठीक है। और कल आप सभी 12:10 PM पे मुझे मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें आपके जो भी अदर कैंडिडेट हैं लाइक CPO के हैं या फिर CGL के हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जब मैं MTS ख़त्म कर दूंगा तो उसके बाद मैं आपकी सबकी क्वेरी ले लूँगा CPO और CGL वालों की भी, और साथ साथ CHSL वालों की, ठीक है, जैसे जितने भी बंदे हैं जो जो क्वेरी हो कल आपसे मेरे से मिल सकते हैं। और अगर किसी को पर्टिकुलरली मेडिकल में कोई ज़्यादा दिक्कत है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट है उनका कि मेडिकल में यार मुझे सर मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, इस चीज़ का कैसे क्योर कर सकते हैं, नहीं कर सकते CPO वाले, क्योंकि GD का तो इतना 10 दिन में ठीक नहीं हो पाने की चीज़ है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें ठीक होने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, प्रॉपर उसे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।